उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं मुरादाबाद में 14 फरवरी को मतदान किया जाएगा। मुरादाबाद में नामांकन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 21 जनवरी से मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट पर नामांकन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में बैरिकेडिंग करने के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए काम किया जा रहा है। नगर मजिस्ट्रेट महेंद्र पाल सिंह का ये कहना है कि नामांकन प्रक्रिया 4 दिन तक कराई जाएगी, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मतदान किया जाएगा। मुरादाबाद में दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को आयोजित होगा, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है। 21 जनवरी से मुरादाबाद में सभी प्रत्याशी नामांकन कराने के लिए काम करेंगे। मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन के कार्यों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी नामांकन केंद्रों के पास सुरक्षा व्यवस्था और बैरिकेडिंग कराने के लिए कार्य किया गया है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए नगर मजिस्ट्रेट महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि मुरादाबाद की 6 विधानसभाओं के प्रत्याशी 21 जनवरी से कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन करा सकते हैं। कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए नामांकन के कार्य को पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहेंगे और सभी प्रत्याशी कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करें। जनपद मुरादाबाद में द्वितीय फेज में चुनाव का नॉमिनेशन प्रारंभ हो रहा है। ये 21 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक का इसमें समय दिया गया है नॉमिनेशन के लिए। तो नॉमिनेशन जो भी हमारी 6 विधानसभाएं हैं जनपद की, उन सभी का नॉमिनेशन इस कलेक्ट्रेट के इसी सभागार में होना है, जिसी के चलते ये सारी तैयारियां हैं इस समय यहाँ पर की जा रही हैं। ऑनलाइन की व्यवस्था है? हाँ, इस बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये व्यवस्था की गई है कि नॉमिनेशन के लिए जो कैंडिडेट है वो ऑनलाइन भी आवेदन कर सकता है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसको उसका एक प्रिंट निकाल कर फिजिकली भी यहाँ पर आरओ के पास उसको जमा कराना होगा। क्या ऑनलाइन अनिवार्य है या नहीं, ये एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जो व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है वो ऑनलाइन करने के लिए भी स्वतंत्र है और फिजिकली आकर भी फॉर्म को वो आवेदन कर सकता है। तैयारियां अभी चल रही हैं, कमरों की जो कोर्ट रूम में जिसमें नॉमिनेशन किया जाएगा वो तैयार किए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, पुलिस की ड्यूटी लगभग तैयार हो चुकी है और लोगों को व्यवस्थित करने के लिए जो भी प्रपोजर्स आएंगे कैंडिडेट के साथ में उनको व्यवस्थित करने के लिए कुछ पल्लियों की इन सब की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की जा रही हैं। कोविड के दृष्टिगत एक पूरी गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी महोदय ने भी इसमें पॉलिटिकल पार्टी के विभिन्न नेतागणों के साथ में बैठकर इसमें चर्चा की है। उनको बताया है कि कोविड गाइडलाइन के चलते जिस तरीके से पहले नॉमिनेशन करने के समय में कैंडिडेट के साथ में अन्य 4 लोग भी आ सकते थे, लेकिन इस पर एक कैंडिडेट के साथ में 2 लोग ही एक बार में प्रवेश कर सकेंगे, इसके बारे में बताया गया है। बाकी पोल डे वाले दिन बूथ पर सभी जो भी वोटर्स हैं उनके लिए मास्क और ग्लव्स की व्यवस्था करना, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करना, ये पूरा किया गया है। इसके अलावा हमारी जो पोलिंग पार्टी भी बूथ पर जाएंगी उनके लिए भी सभी कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सारी किट उनको अलग से दी जा रही है। सर, आवेदन जमा करने के लिए टाइमिंग क्या है, रखी गई है कब से तक? आवेदन सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक का नॉमिनेशन करने का समय इलेक्शन कमीशन की तरफ से निर्धारित है। पूर्व से यही होता है और यही समय इस समय भी लागू है। नॉमिनेशन के लिए जनपद मुरादाबाद में 21 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक का समय इसमें दिया गया है नॉमिनेशन करने के लिए, लेकिन इसमें 22 तारीख जो है जो कि चौथा सैटरडे है, 23 तारीख संडे है और 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश है। तो इन 3 दिनों में नॉमिनेशन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, बाकी के जो अवशेष दिन हैं उनमें नॉमिनेशन पत्र को कैंडिडेट आकर यहाँ पर दाखिल कर सकते हैं। 3 दिन की छुट्टी रहेगी तो क्या इंक्लूड होंगे दिन आगे? नहीं, इसके अलावा दिन इंक्लूड नहीं होते हैं, ये पहले से ही फिक्स है कि 21 से 28 के बीच में ही होने हैं। इसमें जो भी गजिस्टर्ड छुट्टियाँ हैं, जो भी सार्वजनिक अवकाश हैं, उनमें नॉमिनेशन की कार्रवाई नहीं की जाती है।